कोल्ड चिकन है, ठीक है। सीपी आमतौर पे रखा नहीं जाता क्योंकि सीपी के बच्चे थोड़े से बैटरी डाउन होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं इसके लिए। फिर डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटीज ये जो 8-10 या 12-14 केसेस बनते हैं, इनकी सबकी हिस्ट्री आपको मतलब एक फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। जब हम करेंगे स्कोलियोसिस, जब हम करेंगे तो उसकी फिर मैं आपको हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस करा। हिस्ट्री हमने क्या पूछना है, अंडी डिटेल में नहीं जाना, किस तरह नरेट करनी है और क्या चीज़ें बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी। ये लॉन्ग केस में ना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना वो हिस्ट्री में बन जाता है, आप कितने पानी में, चाहे बहुत अच्छे आपकी थ्योरी है, बहुत अच्छा आपका एक्सप्रेशन थोड़ा कम करता, एक्सप्रेशन पे करता। और लॉन्ग केस में तो जैसे आप हिस्ट्री सुनाते हैं, अगर हिस्ट्री आपने बहुत अच्छी सुना दी ना तो एक वैसी बैक ऑफ माइंड पे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है कि अच्छा सुनिए। सर एक बात पूछनी थी आपसे, आप जनरल सर्जरी का जो पेशेंट होता है, जनरल सर्जरी का ट्रीटमेंट भी यही है कि आप उसको बोलने को यही तो आपकी टेक्निक है ना, आपने उसे 15 मिनट होते हैं बस आपने इन बिटवीन रहना, टोटल लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं रहना और टोटल उसकी बात नहीं सुननी। और टोटल उसकी बात में अब जिस तरह पेशेंट कोई आ जाता बाबा जिसका नॉन यूनियन फ्रैक्चर नेक को फीमर है, वो आपको बचपन से ले गया, ठीक है बेटा। मैं पहली बार जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर आया वो मैं ना सी थे सी बड़े चंगे होते सी थे वो कहानी सुनाएगा, ठीक है उसकी थोड़ी सुनो। फिर उसकी कहानी पब्लिक मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन ऐसा करो कि उस प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाए, प्रेजेंट सिनेरियो में तो ठीक है बोलो, अच्छा दोस्तों हूँ क्यों हूँ एक क्वेश्चन पूछो, फिर वो सारा पूछ जाएगा, फिर प्रेजेंट पे आएगा एक क्वेश्चन ऐसा, अच्छा ठीक है बाबू जी दोस्तों हूँ क्यों हूँ हूँ कितने तक, ताकि उस सारे जो सवाल है उसके खुद बहुत कर जाए उसको फील भी ना ध्यान में रखें। सर उसमें जैसे एक डायलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस का केस है जो आपके पास प्राइमरी कंप्लेंट ले जाता है एक पेन, और वो जब उसी से पूछना शुरू करते हैं बताता है कि 15 साल से मेरी गर्दन का अवस्था शुरू हुआ, आप नहीं मूव करती, कमर में पहले दर्द होता था आप नहीं मूव करता, वो अभी मुझे हिप की कंप्लेंट है दर्द की और 1 किलोमीटर तक अभी भी नहीं चल सकता, ठीक है चीफ कंप्लेन। आप बेसिकली स्टैंडर्ड टीचिंग तो ये है ना, द प्रॉब्लम व्हिच ब्रिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल दीज आर द चीफ कंप्लेन, ठीक है। तो उससे एसोसिएटेड जो ये प्रॉब्लम उसको एसोसिएटेड में डालते हैं ऑल्सो, लेकिन ऑल्सो द पेशेंट हैज स्टिफनेस इन द बैक एंड द नेक एंड दिस लास्ट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर फ्यू इयर्स एंड दिस इज प्रोग्रेसिव and causing the patient to walk with an awkward gait, causing him to walk with a stoop gait, वो आप उससे associated करके डालो। वो इसके प्रेजेंट एलएस पे डालो, ठीक है? इसके प्रेजेंट एलएस पे आप जिनको एक्सप्लेन किया ना, उसके बाद नीचे एक जिनको आल्सो द पेशेंट। सर पेशेंट ये कहता है कि उसका पाँव टेढ़ा हुआ है या डिफॉर्मिटी है, तो प्रेजेंट एलएस कहेंगे डिफॉर्मिटी ऑफ द लेफ्ट फुट, आप कह सकते हैं? नहीं, डिफॉर्मिटी ऑफ द लेफ्ट फुट ये तो आपके एग्जामिनेशन में आती है ना। आपने जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इवेंट्स बताते हैं दैट शुड बी मर्ज्ड विद ईच अदर, दैट शुड नॉट अ सेपरेट हेडिंग ऑन नरेशन, नरेशन में ठीक है। लाइक इस तरह पेशेंट ट्रॉमा का आता है फ्रैक्चर फीमर के साथ, ठीक है, तो माय पेशेंट प्रेजेंट्स दिस पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ पेन एब्नॉर्मल मूवमेंट एंड डिफिकल्टी इन पुटिंग बॉडी वेट ऑन द लेफ्ट थाई आफ्टर हैविंग मूव्ड एट द एक्सटेंट 2 इयर्स ऐसे शुरू हुई मोटर बाइक
then he had struck against a car and got injured to the elbow. Since then, he developed all these symptoms. He was all right. My patient was good. Or he used to be very good. It's too long. If he is on the bed for a year, then he will be fine. Why? आपने बहुत छोटी ब्रीफ डिटेल्ड अनड्यू चीजें नहीं बोला ना कहानी नहीं सुनी जब काम की चीजें हो आपसे कोई भी कंप्लेन करेगा कि यार आपने इतनी छोटी चीज सुनी आपने अगर अपना सारा वॉकअप छोटे अल्फाज में छोटे जुमलों में बयान कर दिया दैट्स ना जितना जितना अनड्यू जाओगे उतना गलत गलत जुमले भी बोलोगे है ना ब्रीफ बट कंसाइज तो स्कोलियोसिस में एक प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन के का मतलब डिफॉर्मिटी ये सर डिफॉर्मिटी वो कह रहा है आप भी वही डिफॉर्मिटी रखेंगे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगा डिफॉर्मिटी ऑफ स्कोलियोसिस का हमारा पूरा सेशन होगा वो मिस हो गई है तो सफर करेंगे सर कह रहे हैं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लोग एंटर करते हैं और अभी है तो अब जैसे देखो सीक्वेंस अगर आपका सही है ना और आपकी अगर रिफ्लेक्सेस ठीक है एक एक चीज को आधा आधा मिनट ही लगेगा मतलब मैं मेरा केस था लॉन्ग केस ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द हिप जॉइंट तो उसमें मैंने उसको चलाना भी था उसको इंटरवल भी देना था एग्जामिनेशन भी करना था But I completed in 15 or 17 minutes. तो उसके बाद मैं चुप करके बैठा मैंने स्ट्रीम मैंने लिखी भी नहीं मैं कोशिश करता हूँ ना लिखूँ पॉइंट भी नहीं तो मैं बैठ गया हूँ मुझे बड़ा अजीब लगे मैं बैठ गया हूँ खत खत्म करके तो फिर मैंने मेरे एग्जामिनर थे जी शाह साहब तो मैं शाह साहब से के पास मैंने सर कैन आई स्टार्ट 15 मिनट्स सो यू वांट टू गिव बायो फॉर 45 मिनट्स पहले वो चुप रहे थे तो ओके मैं स्टार्ट फिर उन्होंने मेरे 45 मिनट बाय बोला लेकिन ये कि वो 15 मिनट में कंप्लीट हो गई सर नी की हिस्ट्री से रिलेटेड बात हुई मैं सुबह मेरे पेशेंट के एग्जाम हुए उसकी हिस्ट्री थी कि है नी पे इसको लास्ट 12 ईयर बट दैट वाज एग्रीवेटेड फॉर 2.5 मंथ्स बैक सडनली सर उसकी एग्रीवेशन है तो क्या उसकी जो मैं हिस्ट्री पर लर्निंग पे जब प्रेजेंटिंग पे होगी दैट विल बी 2 मंथ्स सीवियर पेन इन द नी जॉइंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स लेकिन जब मैं रेट कर रहा हूं आप रेट करोगे 2 मंथ्स की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना आल्सो द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम इन द नी जॉइंट विद लेसर इंटेंसिटी अबाउट ईयर बैक जैसे मैं अपनी हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का ओपनिंग सेंटेंस का रखूंगा ओपनिंग सेंटेंस आप नहीं रख सकते ओपनिंग हिस्ट्री प्रेजेंट इन लिस्ट का जी सर अच्छा मैं बता रहा हूं उसका ओपनिंग सेंटेंस आपका अलग नहीं इंटरमिंगल होना चाहिए अलग नहीं सर इंटरमिंगल होगा ठीक है अब योर पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन राइट नी जॉइंट फॉर लास्ट 12 इयर्स बट एग्रीवेटेड 2.5 मंथ्स बैक अभी ऐसे नहीं बोल रहा ना ठीक है 12 इयर्स नहीं बोल रहा My patient presented pain in the right knee for the last 2 months, which was in serious onset, not associated with fever, not associated with any sort of trauma. The pain was moderate to severe intensity, which was aggravating with the passage of time, and for which he got multiple treatments in the form of analgesia, rest, and physical therapy, and all that. With all these modalities, he relieved to some extent, and ultimately, the pain intensity kept on rising. And made him to walk with difficulty and hampering his life. ठीक है? इधर तक आपने बहुत बता दिया, ठीक है? अगर इसके साथ कोई और treatment ली होगी, इसके बता दी, उसके बाद बताओ, according to the patient, he has similar sort of yes, same sort of problem in the knee joint for the last so many years, which was low intensity, episodic intensity, which relieved with medication and did not hamper his daily activity. Because sir, इसी तरह का scenario different होता है जैसा non union का suppose है. 2 years back जिसमें कोई fracture होता है, 2 years में जो treatment करा था, अब आपके पास आता है वो pain in the leg के साथ. Non union की भी हम history करेंगे. Non union जब वो आगे ना तो आपको ये understood है कि
12 साल से 10 साल से 2 साल से ठीक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे मैं पेशेंट प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू वॉक फॉर लास्ट 2 इयर्स आफ्टर हैविंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ठीक है इमेज पे वो सेंस उसको सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है ठीक है देयर वाज इसके इसमें से डिफरेंस नहीं हो जाता बिल्कुल बना रुक नहीं करता बात ये कि आपने कन्वे क्या किया पूरा मैसेज हमने दे दिया बस और मैसेज आपने कन्वे कैसे किया और मैसेज का लॉजिकल आपने उसका फ्रेमवर्क किस तरह लॉजिकल रखा कि आप डायरेक्ट अपने डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं इसमें उसके लिए भी कंप्लेंट कभी ठीक हुई नहीं जब सब पेशेंट उसके पास मुसलसल वो किसी एग्री में और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला तो उसे होती रहती थी लेकिन 2.5 महीने में ऐसी हो गई कि उसे हॉस्पिटल करना पड़ा सिंपल और नेचुरल हिस्ट्री भी इस तरह ही है ऑस्टियोआर्थराइटिस जी शुक्रिया पहले ही प्लान आप जब आए नहीं सुबह मैं जा कर था आपके सब लेट हो गए सुनेगा जी कोई बात नहीं सैटरडे को तुम्हारी क्लास कैसी चल रही है अच्छा ये प्लान टोटल नींद सब भी देखा हुआ है किस किस ने नहीं देखा हुआ ठीक किया और नहीं देखा आप बता से जिना जिना में नहीं हुआ दौर में एक साल नहीं हाँ नहीं हाँ कैसा तो ये सारे की सारी इमेजिनेशन पे दी सर याद करी है ना पहली प्रोसेस चलो इसी पहली प्रॉब्लम कुछ महल बिल्ड अप करने की कोशिश करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें आई विल नॉट गो इन डिटेल फॉर द इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आई विल जस्ट एक्सप्लेन बेसिक थीम एंड थिंग्स व्हिच आर difficult to understand and there are certain parameters on the basis of which certain things becomes very easy to understand. So as far as the implant designer concerned, agar main evolution mein jaye to jo pehla implant bana tha that was constraint totally constraint constraint ka kya matlab hota hai in which there was there was two components and both components having intramedullary extension okay intramedullary extension and this that gives stability immediate stability to the knee joint but the range of movement was only in one plane transverse plane that's why it's called hinge type of joint and hinge variety which is called a hinge total knee totally constrained implant ye chalta raha but ultimately the results became very poor reason being because of very stiff fixation the forces made these implants to lose early loosening hogi the second thing was because of early loosening the chances of infections were very high so high rate infection and early loosening and of course the limited range of movement only in one plane made these implants quite unpopular shuru shuru mein chale fir khatam ho fir they kept on trying to improve the design and then there was a concept of semi constrained varieties semi constrained usme fir semi constrained mein jo aajkal jo hamare popular designs chal rahe hain jo hum istemal karte hain उसमें posterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, sacrificing, retaining, एक में sacrifice कर देते हैं, एक में retain कर देते हैं। दुनिया में सारा ज्यादातर PCL sacrificing इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग they are trained to perform PCL retaining implants, they have their own reasons, they have their own arguments. The best argument for this is when there is a PCL which was retained, we have a good proprioception. Because of the good proprioception, the gait improves when he walks near normal. But things going against this argument is when the knee is arthritic, when the joint is eroded, when the cartilage is eroded, would you expect the ligaments to be normal? No.
the ligaments become shriveled, they are shrunken, they are diseased, and they are shortened. So because of these diseased ligaments, you cannot expect them to work normally. ठीक है, ठीक बात? दूसरी बात ये है कि जो PCL आप retain करते हैं, you must be accurate enough to attain the ligament balance of PCL near to normal, which may be within 1 to 2 millimeters. अगर इससे आगे पीछे हो जाएगा, तो उसकी balancing अगर आप नहीं कर सकोगे, तो ये इंसान जल्दी खराब हो जाएगा। So इसमें दूसरी prerequisite क्या होगी? Proper balancing of the PCL अगर आपने उसको retain कर लिया, which is balancing, उसकी tensioning, tension. Now वो loose रह जाए, now बहुत tight हो जाए, balancing, tensioning, ठीक है? तो इस ये तो इसके एक मैंने इसका फायदा बताया, दो इसके नुकसान आप बताएं, ठीक है? और इसका एक फायदा ही होता है कि जब आप इसका implant ये हमने बनाया है femur pedestal, ठीक है? अब जब हम इसके कट सकते हैं, ये कट दिया, फिर कुछ इस तरह कट सकते हैं, सारे different कट्स आ गए, तो ये PCL retaining जो है इसके लिए और इसके लिए यहाँ पे कट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो PCL sacrificing ये वाला जो हम normally small करते हैं, यहाँ पे इसका एक extra कट देना पड़ता है femur का, और जब extra कट femur में देते हैं, you have to remove a little bit more bone, so it's not a bone conserving implant. थोड़ी बहुत बोन इसमें ज्यादा निकालेंगे, तो वो भी इसके अगेंस्ट चैप्टर, बट ओवरऑल द आर्गुमेंट्स फॉर दिस PCL सैक्रिफाइसिंग आर गुड। अब वो क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं? एक, यू डोंट नीड एक्सपर्टीज टू बैलेंस द लिगमेंट, नो एक्सपर्टीज। सेकंड कोई मुझे बताएगा? अगर पहले प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर हो जाए तो बॉक्स होता है उसके, नहीं वो तो बाकी बातें, स्मॉल बोन स्टॉक सर, रेंजर बुकर बेहतर हो, बैलेंसिंग इसकी रेंजर के लिए इसका लेयर कर। अच्छा जी, अगर हम लैटरल व्यू में देखें कंपोनेंट्स, एक का कंपोनेंट इसका स्टेट ऑफ है, ठीक है, कंपोनेंट ठीक है, और एक का कंपोनेंट ही होगा, ठीक है? इसका क्या फायदा हो? ये है retaining और ये है sacrificing जो हम इस्तेमाल करते हैं सारे। इसका जो फीमेल कंपोनेंट है ये ऊपर से concave होती है, concave dish concave होती है। अब इसका फायदा और इसका नुकसान, तो मैं इसका पहले तुम्हें नुकसान था, ये हम lateral से देख रहे हैं, और जब flexion होगी femur की ऐसी होगी, because of this flat surface उन्हों किधर आ गए? ये सर ठीक है, तो लेट हो गए। आ जाओ, आ गए। ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। PCL सेक्टर पर इसकी रिटेनिंग है, ठीक है? PCL रिटेनिंग के डिसएडवांटेज बता। इसका जो सरफेस होता है, जो कंपोनेंट है, दैट इज फ्लैट। तो ये फ्लैट होने से क्या नुकसान आते हैं? नंबर वन, जब आप लैटरल व्यू में देखो ये फीमर और ये टिबिया है, तो ये यहाँ पे जब फ्लैट होगा तो फोर्सेस जो हैं एक खास पॉइंट पे कंसेंट्रेट होगी, तो क्या होगा? वियर एंड टियर क्या होगा? एक बात, वियर एंड टियर। दूसरी बात, सीसॉ इफेक्ट हो गया होता सर, फ्लैट सरफेस से जब आगे लोड होगा तो द पोस्टीरियर प्लेट विल बी लिफ्टेड अप, and when there is femoral rollback there will be lifting of the very good. देखो पहले femur इस angle में, ठीक है, तो यहाँ पे load पड़ रहा है, तो ये इसको नीचे down कर रहा है, इधर से ऊपर उठ जाएगा, फिर femur और पीछे जाके मज़ीद flexion देगा, अब यहाँ पे load नीचे पड़ेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ रही हैं, which is called seesaw effect. इससे क्या होगा? Early loosening. Early loosening and early wear and tear. एक wear and tear की causing, a pinpoint focusing concentrated forces,
और दूसरी डिफरेंट फोर्सेस एट डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट रेट ऑफ मोमेंट व्हिच इज कॉल्ड सी सॉ इफेक्ट. सी सॉ इफेक्ट पढ़ा था ना, पीओ. अगर हम ये स्ट्रेट क्वेश्चन डायनामिक सैक्रिफाइसिंग में बनाएं, इसमें देखें वो जो कंटूर है फीमर का वो फोर्सेस अब काफी वाइडर एरिया पे ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, कंटूरिंग है ना आपस में कंफॉर्मिंग है. तो बिकॉज ऑफ दिस वाइडर एरिया फॉर द फोर्सेस टू बी ट्रांसमिटेड द वेयर एंड टियर वुड बी स्लो. अगेन इसमें सी सॉ इफेक्ट नहीं आएगा. व्हाट इज फेमोरल रोल बैक मैकेनिज्म? When the knee, when we flex the knee joint, the femoral condyle, there is constant change in the position of the femoral condyle. It moves from anterior to posterior to achieve the full range of movement. Gliding 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 movement. इसमें फेमोरल रोल बैक इंप्रूव हो जाती है. कैसे? जैसे जैसे वो इधर मूव करता है यहां तक जब आएगा तो ये जो स्लिपरी सरफेस है उसको इसको मरीज ऊपर शिफ्ट करे और ये नीचे आ जाए. सो अल्टीमेटली द रेंज ऑफ मूवमेंट वुड बी मोर बिकॉज ऑफ द गुड फेमोरल रोल बैक इन पीसीएल सैक्रिफाइस. ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेज. सर, ये आप जो पीसीएल सैक्रिफाइजिंग है, ये आप इंटीरियर स्टेबलाइज्ड की बात कर रहे हैं सर, कि पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड दो तरह के होते हैं सर पीसीएल सैक्रिफाइजिंग. आपने इंटीरियर पोस्टीरियर देखा, पोस्टीरियर इसके देन जो डिफरेंट नेम्स हैं, कंफ्यूज नहीं हो, या इसको पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट सैक्रिफाइजिंग या पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट रिटेनिंग. सैक्रिफाइजिंग जो उसमें दो तरह के हैं ना, सैक्रिफाइजिंग जो दो तीन तरह के नहीं, सैक्रिफाइजिंग होते हैं पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड पोस्टीरियरली स्टेबलाइज. ठीक है, पोस्टीरियर में कैम होता है पीछे, वो मैं नेक्स्ट टाइम. तो स्टेबलाइज कैसे होता है? फेमोरल रोल बैक तो पीसीएल की वजह से पीसीएल कंट्रोल करता है. वो तो पीसीएल को उसमें कर रहा है, इसमें फ्लैट सरफेस है. ठीक है, और जब फ्लैट सरफेस हमने खत्म कर दिया तो ये जो कंटूर हमने बनाया दैट विल एक्ट एज अ पीसीएल. तो वो जो ऊपर जो फर्दर ग्लाइडिंग हो रही है ना बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया, ये तो ये पीसीएल सैक्रिफाइसिंग को रिप्लेस कर रही है, वही काम कर रहे जो पीसीएल कर. अच्छा, अब ये सेमी कंस्ट्रेंट ये स्टेबलाइज भी कैसे कैसे ये है इसका कॉन्डाइल टिबियल कॉन्डाइल और इसके ऊपर एक भी इसका एंड बनी होती है सेंटर पोस्ट बोलते हैं इसको. कैम नहीं बोलते, कैम नहीं बोलते, ये सेंटर पोस्ट. नाउ दिस सेंट्रल पोस्ट इज फिक्स्ड in the space created because of extra bone removal, जिस तरह मैंने बताया था extra bone removal for PCL sacrificing. ये जब यहाँ से इतनी स्पेस निकाली, मैं फ्लेक्स नहीं दिखा रहा हूँ, तो 90 फ्लेक्स सामने से, तो ये जब स्पेस इतनी बोन निकल जाएगी तो यहाँ पे गैप आ जाएगा इस तरह का. Now this space is called cam. In this cam, a tibial post rests and that gives a stable knee joint. ठीक है, तो ये साइड टू साइड स्टेबिलिटी देती है और इसमें कुछ ना कुछ एंटोपोस्टेट स्टेबिलिटी भी होती है. तो दिस इज बेसिकली अ कंस्ट्रेंट वैरायटी बिकॉज ऑफ अ कैम एंड पोस्ट मैकेनिज्म, कैम एंड पोस्ट मैकेनिज्म, व्हिच इज द ब्यूटी ऑफ पीसीएल. सेमी कंस्ट्रेंट ही है, ठीक हो गया. अब इधर ही अब जरा देख लो कि जो करंट सिचुएशन सिनेरियोस में करंट सिचुएशन आजकल के दौर में जो हिंज्ड वैरायटी है उसकी क्या इंडिकेशन बनती है? ऑब्सोलीट तो हो गया डिजाइन, यूजुअली में नहीं डालते, तो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ हिंज्ड वैरायटी? लिगामेंट सबसे पहले. When you don't have medial ligaments, ठीक है, तब उसी में डाल ligaments. तो उसके semi constrained high tibial post वाला भी तो डाल सकते हैं. डाल सकते हैं. High tibial post. डाल सकते हैं. सर, PCL retaining use होता है, करते हैं वो? PCL retaining कुछ लोग train होते हैं वही करते हैं.
लेकिन वो कहते हैं उसकी प्रेरित कर रहा है कि आपके कम से कम महीने में अगर आप 20 करते हैं फिर आप करें वरना ना करें वरना भूल जाते हैं उसकी बैलेंसिंग मुश्किल होती है पीसीएल रिटेन अच्छा नहीं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ टीकेआर इज हाउ टू बैलेंस द लिगामेंट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने एसीएल पीसीएल तोड़ा दिया अब रो दो रह गई मीडियम लैटरल एंड लैटरल प्लेन अब आपकी सारी की सारी पोस्ट ऑपरेटिव फंक्शनिंग ऑफ द नी जॉइंट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर एक्यूरेट बैलेंसिंग ऑफ दीज टू लिगामेंट्स अगर आपकी इनकी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका नी जो है कहीं पे टॉगल करेगा कहीं लूज होगा कहीं बहुत टाइट हो जाएगा ठीक है तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ द नी लिगामेंट्स अब इस बैलेंसिंग को अचीव करने के लिए कंसेप्ट आ गया एक्सटेंशन गैप और फ्लेक्शन गैप एक्सटेंशन फ्लेक्शन गैप मतलब पढ़ते हैं एक्सटेंशन गैप फ्लेक्शन अभी कहीं भी इतना डिटेल में नहीं लिखा कि हम क्यों कर रहे हैं सिर्फ इस मीडियम और लैटरल लिगामेंट की बैलेंसिंग को अचीव करने के लिए ठीक है तो कैसे करते हैं जब एक्सटेंशन में कट लगाए cut between the distal femur and cut between the proximal tibia so this is called extension gap so hum jab total knee karte hain to either you cut the tibia first tibia mein nahi cut aata hai theek hai or you give a cut to the distal femur so agar humne ye cut diya to ye is tarah cheez ban jayegi ठीक है ये हो गया एक्सटेंशन गैप इन एक्सटेंशन ठीक है अब फ्लेक्शन गैप क्या होगा स्फीयर कॉन्डाइल्स ऑन द फीमर स्फीयर सरफेस ऑफ द फीमर प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ द टिबिया एंड पोस्टीरियर सरफेस इसे सर कैसे बता देंगे इन 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ठीक है फीमर 90 डिग्री फ्लेक्शन और ये टिबिया सो दिस इज ये हम लैटरल में देख रहे हैं दिस इज फ्लेक्शन ये ठीक है नाउ दीस टू कट्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर इफ यू इंटेंड टू बैलेंस द लिगामेंट अगर ये एक छोटा एक बड़ा रह जाए तो फिर लिगामेंट आपकी दोनों आपस में बैलेंस नहीं होंगे सपोज योर एक्सटेंशन गैप इस टाइट बल्कि चेक कैसे करते हैं आपने कट सारे लगा लिए उसके बाद आपके पास एक ब्लॉक होता है जो कि यूजुअली स्टैंडर्ड 10 एमएम का ब्लॉक होता है आप नी को एक्सटेंशन में रखते हैं अब कट्स तो लगा दिए गैप आ गया तो उस एक्सटेंशन जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को एक्सटेंशन में डाल के देखते हैं गैप में और उसको देखते हैं कितने ईजीली वो जा रहा है उसके उसको निकाल देते हैं नाउ पुट नी इन टू 90 डिग्री फ्लेक्शन एंड इंसर्ट द सेम ब्लॉक अगेन इन 90 डिग्री फ्लेक्शन इफ दैट इज गोइंग अगेन वेरी स्मूथली एंड adequately इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर है अब अगर आपने देखा कि extension में तो बड़ी मुश्किल से जा रहा था flexion में बड़े आराम से जा रहा था इसका मतलब extension gap tight तो अगर extension gap tight हो all you need is to removal of the distal femur ठीक है if the flexion gap is tight extension में आराम से जा रहा था flexion में we need to remove posterior cut femur से निकाल दें अगर आपने देखा 10 mm पे ब्लॉक बड़ी मुश्किल से जा रहा है दोनों में तो टिबिया काट तो फिर इसका दोनों टाइट हैं तो फिर आप टिबिया आइसोलेटेड टिबिया काट तो दोनों बढ़ जाएंगे ठीक है ये समझ आ गई लिगामेंट्स का लिगामेंट पे तो बैलेंस करना चाहिए ना कि अगर वायरस अगर नहीं वायरस वो तो फिर अलग से ना ये तो हम सिर्फ अभी सर गैप की बात है अभी हम गैप की बात कर रहे हैं वो फिर डिफरेंट सिनेरियो है अच्छा यहाँ तक समझ आ गई इसके बाद जब हम डिफरेंट नी ऑप्शन आ जाती हैं लाइक हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिक नी हमारे पास जब तक आते हैं दे आर वेरी एडवांसली डिफॉर्म
जो मैक्सिमम डिफॉर्मिटीज होती हैं वो थी वेरियस डिफॉर्मिटी ऑफ द नी जॉइंट एंड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द नी जॉइंट. तो अब इनकी जो बात वेरियस डिफॉर्मिटी की जो नी जॉइंट आएगा आपने बैलेंस से पहले उसको एडिक्वेटली रिलीज करना रिकमेंड. रिलीज पूरा नहीं करना, उसके कुछ कंपोनेंट को सुपरफिशियल कंपोनेंट को रिलीज करना है प्लस मीडियल ऑफ्स जितने भी ऑस्टियोफाइट्स हैं उनको निकालना है और पीछे से जाके आपने जितने भी पेरिफेरल ऑस्टियोफाइट्स हैं मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स और लूज बॉडीज मीडियल फ्लैट मीडियल फ्लैट अगर उससे भी नहीं होता तो पेस एंड सेरेनस का जो टेंडन लगा हुआ है उसको भी थोड़ा सा पेरिओस्टियली लिफ्ट करना है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी टैकल द सॉफ्ट टिश्यू रिलीज ऑफ द वेरियस नी. वेरियस इन फ्लेक्शन वेरियस इन एक्सटेंशन. ठीक है, उसके बाद मतलब ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू नहीं आपने सारे ऑस्टियोपाइट लूज बॉडीज भी निकालने क्योंकि ऑस्टियोपाइट के ऊपर टेंटिंग होती है उससे भी सारे टाइट होते हैं प्लस अगर नहीं निकालेंगे तो आपकी साइजिंग में प्रॉब्लम होगी. Now, if the patient is having varus deformity along with the flexion contracture, फिर आपने क्या करना है? Posteriorly सारा osteophytes clear करने हैं, loose bodies निकालनी हैं, plus subperiostically releasing of the capsule from the posterior surface of the femur and tibia. दोनों पहले femur भी tibia. ठीक है सर, ये तो हमारा varus deformity में तो आपने medial plateau ligament and pes and serratus osteophytes aur agar posterior flexion contracture hai to aapne posterior capsule release from the posterior portion of the leg, femur and proximal aspect of the tibia as well. theek acha what about patella? patella basically is a tri compartment joint. one is medial lateral and patellar fiber component. So when we say that we are going to perform total knee replacement, by definition, total knee replacement means replacement of all the three components. TKR. So, उसमें patellar femoral component भी आपने replace करना. तो patellar femoral arthritis जो है, वो इसी disease का part है. और उसमें क्या होगा? Patella becomes deformed, marginal osteophytes will be formed. There may be cavitation in the cartilage or there may be very aggressive roughness of the surface. So friction bhi degi, pain bhi degi. Agar aapne patella ko chhod diya, knee replace karte huye aur uski aapne proper uski treatment nahi ki, to painful knee persist karega. Knee patient usi tarah mushkil se chalega. Ab there is a controversy. Controversy is, should we replace patella or should we not? Both things are true. कैसे? अगर आप patella replace नहीं करना चाहते, then you handle the patella at least with some procedure. कैसे? You remove the osteophytes, you rub the cartilaginous surface with a rasp so that the surface becomes smooth, and then you cauterize the margin of the patella to make it insensitive. So that post-operative pain in the patellar femoral component can be controlled. So, ये काम तीनों काम करने हैं. Osteophytes, rasping, and denervation by cautery. अगर आप replace करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग पसंद ही करते हैं replace करना. अगर आप replace करना चाहते हैं, then there is special implant which is called patellar button. इसका component है ना, उसको patellar button बोलते हैं. ठीक है, जब शुरू शुरू में पैटेलर बटन बने तो उन्होंने ये पैटेलर की शेप ऐसे होती ऑब्लोंग ओवल. शुरू शुरू में उन्होंने एनाटॉमिकल बटन बनाने शुरू कर दिए इस तरह. तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जब बिल्कुल एनाटॉमिकल बने तो जरा सा इधर ये जरा सा इधर ये जरा सा ऊपर ये जरा सा नीचे हुआ तो पैटेलर मैल ट्रैकिंग शुरू हो गई. सो दे डिसाइडेड not to use oblong anatomical button of patella. So now they are using universal patellar button. Universal ka kya hai? Sab patient mein ek hi shape. Circular. We don't bother about the shape of the patella. We use a circular button and place it into the center of the posterior surface of patella. Center mein rakh dete hain.
अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है दैट इज सर्जन सर्जन फ्रेंडली एंड मैल ट्रैकिंग इज क्वाइट रिड्यूस्ड. ठीक है, तो दिस इज द रीजन रिफ्रेस रिसर्फेस करते हैं पैटेला के रिसर्फेस रिप्लेसमेंट होती है. पैटेला की बेसिकली रिप्लेसमेंट नहीं होती, उसकी रिसर्फेस होती है. उसी का टिपिकल भी रिसर्फेसिंग है ना सर, समझ आ गई बात. तो दिस इज व्हाई दे यूज अ सर्कुलर सॉर्ट ऑफ इम्प्लांट फॉर पैटेला रिसर्फेस. समझ आ गई. Now, approach. Usual midline incision, and then after the midline incision, we go through medial parapatellar approach. Medial parapatellar. Some people they don't use the medial parapatellar approach. They open up up to the femoral component and then go medial, which is called subvastus approach. Subvastus approach. सर्वेस्टर्स अप्रोच के एडवांटेज क्या हैं? सर्वेस्टर्स अप्रोच का एक एडवांटेज ये कि उसमें आपने बहुत ज़्यादा टीयर नहीं कॉज किया इन द एक्सटेंसिव मैकेनिज्म. पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब इजी होती है, बट आफ्टर 3 मंथ्स द रिजल्ट्स आर द सेम. ठीक है ना, जब सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो रिजल्ट इसके भी उसी जैसे उसके. सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग विद विच यू आर ट्रेन्ड. So, subvastus approach और medial parapatellar approach. तो medial parapatellar में आपने सारा कुछ खाया, patella को invert किया और Homans लगा के side पे कर दिया. Whole of the joint is exposed and you remove first the fibrofatty tissue, ठीक है, जिसको patellar fat pad बोलते हैं. Then you remove the synovium, remove the osteophytes and then वो आपको बाकी सारी चीजें जो होती हैं. There is nothing like practical तो नहीं है. So mostly it is cemented. So you just apply a film of cement on the femoral component, a film of cement on the anterior surface of the tibia, and a film of cement on the undersurface of the patella. ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आपने जो जिग्स लगानी है वो कौन सी जिग्स होती है. द जिग्स फॉर द टिबिया इज एक्स्ट्रामेडुलरी अलाइनमेंट जिग. एक्स्ट्रामेडुलरी. एंड द जिग फॉर द फीमर इज इंटरमेडुलरी. अगर डिफॉर्मिटी है तो आप उससे करेक्ट नहीं कर, पहले आप डिफॉर्मिटी करेक्ट करें, टोटली बाद में चला जाए. ठीक है, पहले डिफॉर्मिटी उसमें नहीं कर सकते आप. 10 डिग्री कोरोनल से ज्यादा हो, 20 डिग्री सेंट्रल से ज्यादा हो, पहले पहले आपने डिफॉर्मिटी करें. टीबिया में आपकी इंट्रामेडुलरी आपके पास डिवाइस मौजूद है, आप टीबिया में डिफॉर्मिटी करेक्ट भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम एंड यूज लॉन्ग स्टेम टिबियल कंपोनेंट. कभी कभी पेशेंट आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस विद स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द प्रॉक्सिमल टिबिया, तो उसके पे लॉन्ग स्टेम डाल एट द सेम टाइम यू ट्रीट द नॉन यूनियन एंड नी आर्थराइटिस एट द सेम टाइम. ठीक, मैं तो इससे ज्यादा आपको नी को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. और कोई क्वेश्चन है कुछ आदमी से बोले सर ही है एंगल्स दैट इज नॉट ऑफ योर प्रॉब्लम, दैट इज इनबिल्ट इन द जिग्स. इनबिल्ट इन द जिग्स, ठीक है, उसमें आप सिर्फ आइडिया ही होता है कि आपने जब कट्स देने आपने जिग की सेटिंग में दो चीज़ें रखनी है. एक सेटिंग में आपने रखना है कि आपका 5 to 7 degree वेलकस हो, दूसरा टीपीएल कट आपने इस तरह देना है कि 5 degree पोस्टीरियर स्लो हो, दो चीज़ें, और तीसरा फेमरल आपने जिग सेट करनी है 3 degree एक्सटर्नल एक्सटर्नल. तीन एंगल अगर आप याद करने की जरूरत हो याद कर दो. 3 degree एक्सटर्नल पेशन, 7 degree फेमोरल एंगल इन वेलकस एंड 5 degree पोस्टीरियर स्लो द टिपिकल कंपोनेंट. दोनों में डिफरेंस क्या है?
अगर 6 से 7 ईयर नहीं वो सर डीप होता है उसमें सीमेंट इतनी ज्यादा स्टेबल होता है हिप का इसमें सरफेस पे होता है सीमेंट अपने सरफेस पर लगाया हुआ है इसमें इम्प्लांट इतना स्टेबल लेकिन चूंकि ये वेट बेयरिंग है तो सारी चीजें सॉफ्ट इज स्लीप भी हम दिक्कत तो नहीं है ऐसी क्वेश्चन बनता नहीं है हां जी और रीहैब rehab basically it's the rehab of the extensor mechanism plus rehab of the knee joint ठीक है extensor mechanism में काटा हुआ इसमें जो हमारा हम aim करते हैं कि we start isometric exercises without knee bending for the first 2 weeks we usually start knee bending after removal of the stitches because कुछ लोगों में skin weak होती है या और इश्यूज चल रहे होते हैं लाइक अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किया और बड़ी थिन स्किन होती है तो उसमें अगर हम अर्ली नी बेंडिंग शुरू करें वो डेसेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वी स्टार्ट नी बेंडिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टिचेस और बोन स्ट्रेंथनिंग जब तक अचीव हो जाए सो एम इज टू अचीव 90 डिग्री रेंज ऑफ मूवमेंट इन द फर्स्ट 6 वीक्स सर व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स फॉर डीएचआर टीके आंसर प्रीरेक्विजिट्स इंडिकेशंस है कि प्रीरिक्विजिट पेशेंट में क्या है तो नहीं करेंगे क्या है नहीं मतलब इम्यूनिटी बॉडी सेल्स की बात कैसे है ये बात करते हैं पता नहीं कौन ठीक है मैं आपकी बात समझ ठीक है तो 6 वीक्स तक आपने 90 डिग्री फ्लेक्शन अचीव करनी है और ड्यूरिंग ऑल दीस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आपने क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को साथ-साथ जारी रखना Okay. And after 6 weeks, and you can start weight bearing on the second post-operative day with knee in extension. Weight bearing start कर सकते हैं. Bending जिस तरह से 6 weeks पे 90 degree ले जाएं. And after 6 weeks, you can replace the walker and start weight bearing with the stick. And next 6 weeks, exercise persist करेंगे. Range of movement 120 तक चली जाएगी और stick भी आसान से छूट जाएगी. सर, weight bearing के second day full weight bearing. Full weight bearing. After 6 weeks, replace the walker. आपने अगर ये day wise इस तरह की चीजें लेनी है ना, तो computer में हमारे पास पड़े हैं ना, computer में चले जाना हमारे, तो मम्मी ने तो दे देना. Post operative care of the total knee, post operative care of the total knee, hip, post operative care of ACL. हाँ, ये आपको वैसे मिल जाएगा. आपको मेरा मैंने आसिम को कहा थी जब उसने बना के रखी है. पढ़ेगी ना? Yes, sir. पढ़ी मैं विकास को कर रहा और हां आपके क्वेश्चन प्री रिक्विज देखो इसमें फर्स्ट ओकेशन शुड बी स्टेबल ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ही थिन लेकिन स्कीम ऐसी हो कि टर्मिनल वर्जन आप नहीं कर रहे ठीक है द प्री रिक्विज योर मसल स्ट्रेंथ शुड बी इनफ टू मेक हिम एटलीस्ट स्टैंड पेशेंट एक फ्लैपी सर जो पिछले 20 साल से रूमेटॉइड की वजह से बेड पे पड़ा है आप उसको वही है गोडा में डाल दूंगा सही हो जाएगा गोडा डाल जाएगा बड़ा खूबसूरत बट यू मे नॉट बी मेक हिम मेक हिम वॉक बिकॉज मसल मैस ही नहीं होगा 20 साल को बेड पे मतलब बेड पे मसल मैस होगा नहीं होगा तो आपने देखना है उसकी मसल मैस कैसी है आपने देखना है उसका लिगामेंट स्टेटस कैसा है आपने उसको देखना है उसका बोन स्टॉक कैसा है अगर बहुत ज़्यादा ऑस्टियोमलेसिक पेशेंट है बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है उसमें भी इम्प्लांट की फिक्सेशन बहुत अच्छी नहीं होती ठीक है एक पेशेंट आया जिसकी बिल्कुल एम्प्टी बोन पड़ी है क्रेविसेस खाली पड़े हैं आप उसमें इम्प्लांट डाल देंगे तो क्या होगा थोड़ी देर लूजनिंग हो जाएगी थोड़ी देर सस्ती जस्ट कर देगा तो प्री रिक्विजिट ये कि बोन स्ट्रक्चर शुड बी एडिक्वेट लिगामेंट शुड बी देयर एंड मसल मास शुड बी एडिक्वेट ठीक है बाकी वो सारे प्री रिक्विजिट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ओरल ठीक होना चाहिए वो बाकी आपने बता दिया सारे मतलब मसल पार्ट रोटेशन मिनिमम 4/5 तो कंट्रैक्चर जो है ना मतलब हम लोग जो करते हैं 30 और 40 डिग्री का कंट्रैक्चर इजीली कैन बी मैनेज इन इंजरीज इफ इट इज मोर देन दैट देन यू हैव टू रिमूव द और ट्रीट द कंट्रैक्चर फर्स्ट बाय माइट विद द कंट्रैक्चर